चाचा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ? मैं बढ़िया। चाचा जी, आपके घर में एक मोटी भैंस सी रहती है जो पूरा दिन खाती रहती है, दिखाई नहीं दे रही। भैंस? अच्छा अच्छा। अरे दिलीशा। हाँ पापा। देखो तो संजू आया है। तो क्या करूँ मैं इसका फिर? क्या करूँ? अरे घर पे कोई आता है, चाय पानी ठंडा कुछ पूछते नहीं पूछते। चाचा जी, मेरे को दिख गया है, ये शादी के बाद हमारी नाक कटवाएगी, बेइज्जती कराएगी हमारी। ओ हेलो, चाय पानी ना इंसान को पूछा जाता है, ना कि जानवर को। जानवर कौन आया यहाँ पे? तू है ना मेरा कुत्ता प्यारे भैया जी। बेटा तुम दोनों जितना लड़ते हो ना, उससे ज्यादा प्यार भी है दोनों के बीच में। इतना प्यार तो किसी सगे भाई बहन में भी नहीं होता। अरे क्या चाचा जी, भगवान ने मुझे बहन नहीं दी और उसे भाई, और क्या सगा क्या सौतेला, बहन तो बहन ही होती है ना। पर भाई हमेशा कुत्ता ही रहता है। रुक। कहाँ कॉलेज जा रही है? चल मैं छोड़ देता हूँ। और बता, कॉलेज में सही चल रहा सब? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हाँ, मुझे ना तेरे को किसी से मिलवाना है। किससे? मेरे फ्रेंड से। फ्रेंड है या फिर? अरे बाबा फ्रेंड ही है। चलो मिल लेते हैं फिर। भैया ये मेरा फ्रेंड है दीपांशु, और दीपांशु ये मेरे भैया। अरे चलो आज आपसे मिल भी लिया, ये सारा दिन आपकी तारीफ करती रहती है, मेरे भैया ये मेरे भैया वो। दिलीशा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? झूठ बोल रही है, तेरे को लगता है कि मैं तेरी तारीफ करूंगी? रहने दे, सब पता मुझे। चलो तुम कॉलेज जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। पतंग को काटे है तुझे से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके है हवा जाते रातें, ये दिल की पतंग को काटे है तुझे से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके है मेरी जा चली जाए है, तू जो मुड़ के देखे है तुझे से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके आए है वहाँ जाते रात, ये दिल की पतंग को काटे है। अरे बेटा कहाँ रह गई थी, इतना लेट हो गई, और मैं फोन मिलाए जा रहा था, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है बार बार। पापा वो मैं दोस्त के साथ थी, और आपने इतना अच्छा फोन दिलाया हुआ है कि हर घंटे ऑफ हो जाता है, और अगर नया फोन दिलाने के लिए बोल दिया तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। ये तू लाया मेरे लिए? लाया मैं हूँ, लेकिन पैसे चाचा जी ने दिए।
थैंक यू सो मच पापा, लेकिन इतने पैसे? अरे ये पैसे मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर थोड़े ना है। और हाँ, ये फोन मैंने तेरे लिए थोड़ी दिलवाया है, ये तो मैंने अपनी टेंशन दूर करने के लिए मंगवाया है। जब तुम बाहर होती हो ना तो तुम्हारा फोन मिलता नहीं है और मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। क्या हुआ, क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? क्या बात करनी है तुम्हें? यार एक गुड न्यूज है और एक बैड। तो पहले गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मुझे जॉब मिल गई ऑस्ट्रेलिया में। Oh, wow! और गैस मेरी सैलरी कितनी होगी? 2 लाख पर मंथ। Oh, congratulations! बैड न्यूज क्या है? वो मैंने हम दोनों की शादी के लिए अपने घर वालों से बात की थी। फिर? उन्होंने शादी के लिए तो हाँ कर दी, पर वो चाहते हैं कि मैं जिससे भी शादी करूं वो 50 लाख लेकर आए दहेज में। 50 लाख? दीपांशु तुम्हें बहुत अच्छे से पता है हमारी इतनी औकात नहीं कि हम 50 लाख दे सके। यार मैंने पापा को बहुत समझाया पर उन्होंने कहा कि हमने तेरी पढ़ाई पर इतने पैसे लगाए हैं और तू ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, 50 लाख तो कोई भी दे देगा दहेज में। मैंने उन्हें बहुत समझाया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब या तो तू अपने पापा से जाकर कुछ बात कर, वरना मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। दीपांशु तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, अदरवाइज मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम अपने घर जाओ और जाकर अपने पापा से बात करो, तब तक मैं भी कुछ सोचता हूँ। हेलो, हाँ भाई कहाँ पे है? हाँ क्या बात हुई, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो कुछ परेशान भी लग रही है, सब ठीक तो है ना? भाई वो जो उस दिन लड़के से नहीं मिलवाया था मैंने आपको, एक्चुअली मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? और भाई उसकी ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गई है, महीने के 2 लाख कमाएगा वो वहाँ पे, और वो चाहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाए शादी करके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाली है जो ऐसा लड़का मिला है। तुझे चाचा की परमिशन चाहिए ना, वो मैं दिलवा दूंगा, टेंशन मत ले। ऐसी बात नहीं है भाई, दीपांशु के घर वाले बहुत लालची है, वो चाहते कि उनकी बहू दहेज में 50 लाख रुपए लेके आए। वो तुझसे प्यार करते हैं तेरे दहेज के पैसों से? भाई कैसी बात कर रहे हो, क्या हो गया कि दहेज में पैसे दे दिए? एटलीस्ट मैं शादी के बाद खुश तो रहूंगी। तो प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती है? चाचा जी को तुझे पढ़ाने में कितनी तकलीफ सही है तुझे पता भी है? उनकी औकात ना होते हुए भी तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया ताकि तेरा फ्यूचर बन सके, अब वो एकदम से 50 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? इसी बात की तो टेंशन है, हमारी इतनी औकात तो है नहीं कि हम 50 लाख रुपए दे सके, ले दे के बस एक घर है। भाई ऐसा करो, पापा से बोलो कि घर बेच के मेरी शादी करवा दे। तू सोच भी रही है तो क्या बोल रही है, घर बेचने के बाद वो कहाँ पे रहेंगे? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता कि अगर मैं शादी करूंगी सिर्फ दीपांशु से करूंगी, अदरवाइज मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो एक काम कर, तो घर जा, मैं करता हूँ कुछ। नमस्ते बेटा। नमस्ते। एक तबीयत तो ठीक है, किस चीज़ की दवाई ले रहे हो? नहीं बेटा ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बुढ़ापा है, दवाइयों से तो काम चला। हम क्या बताओ, सब ठीक है? हाँ आपसे मुझे जरूरी बात करनी थी।
हाँ बेटा बताओ। मेरा एक दोस्त है दीपांशु, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जॉब लगी है उसकी, पूरे 2 लाख रुपए महीने सैलरी है। 2 लाख? हाँ, और वो अगले महीने शादी करके ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहता है। अच्छा, और मेरे ख्याल से हमारी डेलिशा के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। बेटा तुझे अपनी बहन की मुझसे भी ज़्यादा चिंता है, और वो तेरा दोस्त भी है और एक अच्छा लड़का भी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पर चाचा जी वो दहेज में 50 लाख रुपए चाहते हैं। 50 लाख? हाँ बेटा, उसके लिए हम ये घर बेच देते हैं। पर चाचा जी ये घर तो आपको जान से भी ज्यादा प्यारा है। हाँ बेटा वो तो है, पर उससे भी ज्यादा प्यारी मुझे मेरी बेटी है। पर हाँ, उसको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों चाचा जी? अरे भाई, जब उसको ये पता चलेगा कि उसकी शादी के लिए मैं ये घर बेच रहा हूँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। ऐसे कैसे तैयार नहीं होगी, मैं बात करता हूँ। डेलिशा? हाँ? मैंने और चाचा ने मिलके तेरे लिए एक लड़का देखा है, नाम है दीपांशु, बहुत अच्छा लड़का है, एकदम हीरा, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, 2 लाख रुपए महीने सैलरी है। मेरे को ये शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आया करते। देखिए यार, अपने बाप के औकात, ये होता है बाप। नहीं पापा, मेरे को ये शादी नहीं करनी। क्यों बेटा, आखिर एक ना एक दिन तो हर बेटी को शादी करने जाना ही होगा। नहीं पापा, मैं नहीं करना चाहती शादी। नहीं नहीं, अब तो फैसला हो गया है, ये शादी तो होके रहेगी। भाई मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझसे प्यार करता हो, ना कि दहेज के पैसे से। एंड थैंक यू सो मच भाई मेरी आंखें खोलने के लिए, वरना मैं तो प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने पापा घर से बेघर करने चली थी। भाई थैंक यू सो मच पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो, आप दुनिया के सबसे अच्छा पापा हो, आपके पास बेशक कुछ नहीं है पर फिर भी आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, और ऐसे एक लड़की क्या, दुनिया के हजारों लड़के आपके आगे कुर्बान है पापा। आई लव यू पापा।